अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग। आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक किस्म के चिकन तंदूरी रेशा कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये देखें कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी और रेशेदार कबाब तैयार हुए हैं। तो चलिए इस ज़बरदस्त टेस्टी डिलीशियस और यूनिक से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे चिकन, आप बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो चिकन लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे मसाले। तो सबसे पहले यहाँ पर हम नमक ऐड करेंगे एक चाय का चम्मच या जायके के हिसाब से, एक खाने का चम्मच तंदूरी मसाला, एक चाय का चम्मच काली मिर्च पिसी हुई, एक चाय का चम्मच पिसा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा, चुटकी भर तंदूरी कलर, ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड नहीं करना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, एक चाय का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, एक खाने का चम्मच ऑयल, कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल, कुकिंग ऑयल आप ले लें। तो तेल हम इसमें एक खाने का चम्मच ऐड करेंगे और एक खाने का चम्मच लेमन जूस ऐड करेंगे। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, चिकन के ऊपर लगाएंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कवर करके हम इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे या जब तक कि चिकन का पानी अच्छी तरह से ड्राई ना हो जाए। तो 10 मिनट हो चुके हैं, देखिए यहाँ पर मैंने चिकन को अच्छी तरह से पका लिया है और इसमें अभी भी पानी है। तो अभी हम इसको बगैर ढके हुए इसी तरह पकाएंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट ताकि इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर देखिए इसका पानी ड्राई हो गया है, ऑयल अलग होना शुरू हो गया है। तो अब हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ और चिकन को थोड़ा ठंडा होने देंगे। चिकन ठंडा हो जाए तो उसके बाद इसके रेशे बना लेंगे। देखिए अगर आप चाहें तो चिकन को फूड प्रोसेसर में चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह करने से बहुत बारीक हो जाएंगे। तो थोड़े से चिकन के पीसेस बड़े रहने दें ताकि तंदूरी जायका कबाब में आ जाए। इसके बाद हम लेंगे दो अदद ब्रेड्स। ब्रेड स्लाइसेस हमने इस तरह से तोड़ के एक बॉल में ऐड करने हैं और इसमें हम ऐड करेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच पानी, या इतना पानी ऐड करेंगे कि ये जो ब्रेड है ये इसमें अच्छी तरह से सोख हो जाए और नरम हो जाए। ब्रेड्स थोड़े से नरम हो जाए तो हम अच्छी तरह से ब्रेड्स को मैश कर लेंगे। ये देखें ब्रेड्स को हमने मैश कर लिया है। तो अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे, 3 अदद मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू आपने लेने हैं। तो ये देखें यहाँ पर आलू तोड़कर मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको भी हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें मैंने आलू को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब हम इसमें रेशा की हुई चिकन ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें, अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर लें। मैं यहाँ पर 2 खाने के चम्मच हरा धनिया ऐड कर रही हूँ और थोड़ी सी हरी मिर्चें, एक मीडियम साइज़ की प्याज चॉप करके ऐड कर लें, एक चाय का चम्मच नमक या हसबे जायका नमक ऐड कर लें, 2 खाने के चम्मच पिसा हुआ धनिया ऐड कर लें, एक खाने का चम्मच पिसा हुआ और भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर लें, एक चाय का चम्मच काली मिर्चें, एक चाय का चम्मच हल्दी और एक चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो ये कबाब का मिक्सर तैयार है, लेकिन इसको थोड़ा सा क्रिस्पी बनाने के लिए मैं इसमें 2 अदद अंडे ऐड करूँगी। अगर आप चाहें तो आप अंडे बाद में भी लगा सकते हैं, यानी कि आप कबाब बनाकर इसको अंडे में डिप करके फ्राई कर सकते हैं, लेकिन उस तरह से कबाब ऊपर से क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो देखिए अब हम इसके कबाब बना लेंगे। हाथों के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लें और इस तरह से इसके कबाब बना लें, ओवल शेप में बना लें या फिर गोल शेप में, जिस तरह से आपको पसंद हो तो आप उसी तरह से इसकी शेप बना लें। इसके बाद आपने इसको शैलो फ्राई करना है, मीडियम हॉट ऑयल में आपने इसको शैलो फ्राई करना है। अगर आप इसे हल्की आंच पर पकाएंगे तो ये टूट जाएंगे, अगर आप इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो ये ओवर ब्राउन हो जाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए एक साइड कबाब का बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन कलर आ गया है, तो मैंने इसकी साइड टर्न कर ली है, दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए, थोड़े से क्रिस्पी हो जाए, तो हम इसको डिश आउट कर लेते हैं।
तो देखिए ये ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ गया है और कबाब क्रिस्पी भी हो चुके हैं, तो अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार चिकन तंदूरी रेशा कबाब तैयार हैं। बाहर से क्रिस्पी हैं और अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त और मुनफरिद सा जायका आया है। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। अगर मेरी आज की रेसिपी आप लोग को पसंद आती है तो इसे थम्सअप दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद टेस्टी डिलीशियस और ईजी रेसिपी सीखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।